हरामजादे, हाथ कैसे लगाए तूने मेरी पुचकी को? ये मेरी पुचकी है। हाथ कैसे लगाए तू? हाथ कैसे लगाया? मेरी पुचकी है वो। समझ में आ चुका है? बचपन से लेकर आज तक वो मेरी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। जान से मार दूंगा अगर मेरी पुचकी को दोबारा छुआ तो। जान से मार दूंगा मैं तुझे। चल। इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब एक नाटक था। तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, तुम्हें सब याद दिलाने का। और देखो ना, सब कुछ याद आ गया। शान को सब कुछ याद आ गया, इसका मतलब है उन्हें ये भी याद आ जाएगा कि हमने उन पर हमला किया था। अब क्या सफाई देंगे हम? रहो मेरे शान से। दूर तुम रहो मेरी पुचकी से। क्यों दूर रहूं मैं? तुम मेरे पति हो शान, रिसेप्शन है आज हमारा, और क्यों इसे गले लगने दूं मैं तुम्हारे? धोखेबाज हो तुम। झूठ बोला है तुमने मुझसे। तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरी पुचकी हो। हाँ, यही सही है। अरे इसका असली नाम तो नंदिनी है। लेकिन तेरी असली पुचकी तो अस्मिता है। फायदा उठाया ना मेरा, मेरी बीमारी का। लेकिन अब मेरी याददाश्त वापस आ गई। और मैं अपनी पुचकी से प्यार करता हूं। तुमसे नहीं, मिस नंदिनी।
पत्नी मेरी बेटी मेरी किस्मत है, गुरूर है मेरा। इसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता मैं। जिस लड़के को पाने की हसरत है इसमें, वो लड़का इसको जरूर मिलेगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी दूसरी बेटी का घर ही क्यों ना उजाड़ना पड़े। अपनी बेटी के लिए जरूर करूंगा मैं, जरूर करूंगा मैं। मुझे माफ कर दो पुचकी, हर बार मैं तुम्हारी कसौटी पर हार गया। तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया मैंने, लेकिन तुमने कभी भी हमारे प्यार को झुकने नहीं दिया। लेकिन अब हम और कोई बलिदान नहीं देंगे, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। प्यार में बहुत ताकत होती है बूढ़ा, हर आदमी का सामना कर लेता है प्यार। तभी तो आज भी हमारा प्यार जिंदा है, लाख अड़चनों के बाद भी हमारा प्यार जिंदा है। और बताए शान, हमारे प्यार ने हृदय को जीत लिया है, बदल दिया है उससे, जहर खींच लिया है उसके दिल से हमारे प्यार ने। शान, ये सब तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारा बलिदान था जो रंग लाया, तुम्हारी दुआओं में इतना असर था जिसे देवी माँ ने कबूल किया है। कुछ की तुमने इस मकान को घर बनाया। ये मकान अभी घर नहीं बनाया शाह, और बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी बाकी है। इतनी जल्दी हम हथियार नहीं फेंक सकते। इस घर में हम कठपुतली की तरह रहे, हर बार कितने षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा हम, पर पता है शान, हर कदम पर ना भगवान जी ने हमारा साथ दिया है। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। सही कहा तुमने, आगे रास्ता बहुत पथरीला है शान, पर अब एक साथ इतनी सारी मुसीबतों का सामना किया, इससे बदतर हमारी जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता। बस तुमसे एक वादा चाहती हूँ, वादा करो कि हम दोनों एक होकर लड़ेंगे। वादा करो कि हमारे बीच कोई नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा हमारे बीच। अगर हम एक हो जाए तो आंधी तक हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। वादा करो। मैं वादा करता हूँ कि पुचकी और पूर एक थे और एक रहेंगे। तू जो रूठा तो कौन हसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। राजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। राजा करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो
गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम जानते थे कि आप हमारे पास जरूर आएंगे। अब जब आपकी याददाश्त वापस आ गई है तो आपको ये भी याद आ गया होगा कि याददाश्त जाने के पीछे हम थे। हम जानते हैं शान की इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, हम खुद पुलिस को फोन करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमें गिरफ्तार कराएं। लेकिन हाँ शान, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हमने जो कुछ भी किया अपने हृदय के लिए किया, और हमारे लिए इस दुनिया में हृदय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लीजिए, ऐसा कुछ नहीं करूंगा मामा, यही तो फर्क है, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। आप अभी भी मेरी मम्मा हैं, भले ही आपने मुझे पैदा नहीं किया हो, लेकिन आप मेरी मम्मा हैं। हाँ, मुझे सब याद आ गया है। मुझे याद आ गया है कि आपने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन सबके पीछे एक मां की ममता थी। क्या हुआ अगर वो ममता मेरे लिए नहीं हृदय के लिए थी? उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता मम्मा। ओ प्लीज शान, ये इमोशनल नाटक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। नफरत करते हैं हम आपसे, हाँ नफरत, पर हमेशा से करते आए हैं। हमने आपको कभी अपना बेटा नहीं माना, पर हमसे प्यार की कभी उम्मीद भी मत रखिएगा। ठीक है, आप नफरत रखिए, मैं प्यार रखता हूं। अगर आप नफरत करना नहीं छोड़ सकती हैं, तो मैं प्यार करना कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन एक रिक्वेस्ट है मामा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ना, आपने जो भी किया मेरे साथ, वो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप भी प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मा पर कोई भी इल्जाम लगाए, कोई भी उन पर उंगली उठाए, क्योंकि ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मामा। और वो कहावत है ना कि पूत जो है वो कपूत हो सकता है, मगर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।
इस कहावत की नींव पर माँ बेटे का रिश्ता टिका हुआ है मामा। मामा मैं नहीं चाहता कि लोगों का माँ शब्द से भरोसा उठ जाए। जीना 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 उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल मारी तेरी चुनरिया लहराए। हो गया जैसा मैं चाहता था ना, बिल्कुल वैसा हुआ। अब मन हल्का लग रहा है पूछ के। शत्रु मैंने पहले नहीं कहा पर अब कहीं भी गए रहा भी नहीं जा रहा। बाकी ममता के आगे तुम्हारे हाथ बंधे हैं मेरे नहीं। शत्रु मैं जानती हूँ वो गुनेगार है। प्यार की आड़ में तुम उन्हें पनपने नहीं दे सकते। उन्होंने गलती की है, उन्होंने गुनाह किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और मैं उन्हें सजा दूंगी। कुछ की नहीं शान, कोई कानून कोई अदालत उन्हें हक नहीं देता कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। वैसे चाहे जो भी हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए और मैं उन्हें सजा दूंगी। नहीं नहीं पुचकी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं मैं पुचकी, तुम्हें मेरी कसम। देखो मेरे लिए उन्हें माफ कर दो। उन्होंने जो कुछ भी किया ना वो हृदय के लिए किया। एक माँ की ममता कैसे गलत हो सकती। बोलो इस मिट्टी के बने हो तुम। मैं भी बहुत खुदगर्ज हूं। एक माँ खो चुका हूं ना तो दूसरी मां खोना नहीं चाहता हूं मैं। शांत हो जाओ। कैसे कर ले तो ये सब, क्यों इतने अच्छे हो तुम? सच में तुमने जो किया है ना उसके लिए उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात पर तुम पर फक्र महसूस करो या गुस्सा। अपने कातिल से कोई प्यार कैसे कर सकता है शत्रु? कुछ की माँ है वो मेरी, उन्हें कातिल मत बोलो। और मैं तो भी जिंदा हूं ना तुम्हारे सामने खड़ा हूं। पता है क्यों? क्योंकि दुर्गा माँ भी नहीं चाहती थी एक माँ के हाथों बेटे की मौत हो। उसकी रंज सिर्फ इस बात का है कि वो आज भी मुझे अपना दुश्मन मानती है, नफरत करती है वो मुझसे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, वो मुझसे नफरत करती है। कोई बात नहीं, उनके नफरत के ही सहारे जी लूंगा ना मैं। एटलीस्ट इसी बहाने उनके साथ तो रहूंगा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं पुचकी कि हम हमेशा साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा।